नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, जो आपकी अभ्यास चल रही थी, जो आपकी अभ्यास थी वो थी संख्या एवं संख्या पद्धत, प्रयास कीजिए। अब भैया है प्रयास कीजिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान, 1023 में शून्य का स्थानीय मान किसी भी संख्या से आप अगर गुणा करते हैं, भैया गुणा करते हैं तो उसका मान जीरो ही आएगा, तो स्थानीय मान इसका जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर दो देखिए, कह रहा है 8 का स्थानीय मान 5, 7, 4, 8, 7, 3 में 8 का स्थानीय मान तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो एक सैकड़े पर है, तो भैया इसका सैकड़े पर है तो 8000 इसका स्थानीय मान होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीन देखिए, 90,099 को किस रूप में लिखा जा सकता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 90,000, तो भैया 90 कर दीजिए। फिर कह रहा है 90,099, तो 99 कर दीजिए, इस रूप से आपको लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर पांच देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, 19 अभाज्य है, दूसरा कहता है 23 भी अभाज्य है, क्योंकि 23 किसी से संख्या से नहीं करता है, 29 भी अभाज्य है भैया, और ये 33 जो है, तो ऑप्शन नंबर आपका चार बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 11 से निकलता है और 3 से निकलता है। प्रश्न नंबर पांच देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो भैया पहली संख्या है 27, तो 27 तो 3 से कट जाती है, और 57 ये भैया 19 से कट जाती है, और तीसरा जो है आपकी संख्या 77 ये 7 से भी कट जाती है और 11 से भी कट जाती है, और चार जो ऑप्शन है वो 97 जो भैया संख्या किसी से नहीं करती, और हाँ दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर सात देखिए, 37015 37015 से बनने वाली पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भैया 10357 10357 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आठ देखिए, LVLX LX VII देखिए, एल का मतलब क्या होता है, 50, क्या होता है 50, 2x 20, ये कितना लिखा है 8, इनका जोड़ दीजिए 50 20 70 8 78, ये लिखा है भैया 78, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चार बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नौ देखिए, 8 8 8 8 कितने बार लिखा है भैया, 5 बार, 8 8 5 बार लिखा है, पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, आपको पहले वीडियो में बताया था कि भैया पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा देते हैं, ठीक है एक घटा देते हैं, तो भैया 88887 ये संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, भैया प्रश्न नंबर 10 में निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, देखिए जो 10 है इसमें अभाज्य संख्या होगी 373, ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि निम्न में 3 का स्थानीय मान इकाई
किस संख्या में है। देखिए तीन तो इसमें है लेकिन ये भैया सैकड़े पर आपका है, और इसमें भी है तो दहाई पर है, और इसमें भी सैकड़े पर है तो भैया तीसरा ऑप्शन आपका तो ऐसे लग सकता है क्योंकि इकाई के स्थान पर है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पहले इस वीडियो में बताया है कि दो अंकों की सबसे अभाज्य जो संख्या है बड़ी एक होती है और सबसे छोटी क्या होती है 11 होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसमें होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक की घात जीरो का मान होगा, कितना मान होगा एक, चाहे कितनी भी संख्या लिखी हो अगर घात ऐसे लिखी है जीरो तो भी सभी का मान एक होता है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि 10 की घातों में व्यक्त करना है। देखिए 4 × 10 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 चार स्थान है तो 10 की घात 4 कर देंगे, प्लस 3 × 1, 2, 3 10 की घात कितनी होगी 3, और प्लस 0 की कोई घात नहीं रखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब देखिए 6 × 10 यदि 60 हो गया, प्लस 2 ऐसा हमें ऑप्शन कौन मिलेगा जिसमें 4, 3 घात बनी रही हो, 4 और 3 4 3 यानी ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इस टॉपिक को समाप्त हमने कर दिया है, जो आपका था संख्या एवं संख्या पद्धति जो थी इसको समाप्त कर दिया है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके पर ख्याल करेंगे, अमल करेंगे, और आपको भी जो है बताएंगे कि कौन सी कमी रही थी और कौन आपने कमी हमसे देख ली है। देखने के लिए धन्यवाद।